क्या हुआ था? जबल रहमा इधर जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जो सहाबा सब सहाबा इकराम को लेके उधर आखिरी खुतबा दिया, वो इसका बात हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर गया। और इसका पहले जो बाबा हवा आदम और माँ हवा जो जन्नत के जन्नत से निकल दिया, बाद में दुनिया में आके जबल रहमा में एक साथ हुआ, इसका दो फजीलत है। और तो ये तो अराफात का मार्ट है, हज के लिए सब लोग को इधर आना पड़ेगा, इधर नहीं आएगा तो हज नहीं होगा। बाद में है उधर मस्जिद है जो हज का दिन खुतबा होता है, खुतबा होके एक साथ जोहर और आसर का नमाज होता है एक साथ, ठीक है। एक अजान में दो नमाज होता है। ये पूरा फुल होता है, फुल हो जाता है इधर, ये रोड में खाली नहीं रहता है, रोड में आदमी छोटा छोटा चादर लेके इधर लेट जाता है, बैठ जाता है, जो जिधर मिलता है उधर बैठ जाता है, कोई रास्ता कोई जगह खाली नहीं रहता है बैठने के लिए, ये करके बैठता है, एक का साथ एक लाख 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 जाता है। क्यों 50-60 लाख आदमी होता है हज का टाइम में, अभी कोरोना 2 साल तो आदमी नहीं था, ये साल में तो 8-9 लाख 10 लाख आया, लेकिन सामने और भी ज्यादा हो जाएगा। ये जबल रहमा है, ये तो जबल रहमा। अब उधर जाएगा तो पैदल में जाना पड़ेगा, अभी वो काम चल रहा है इसलिए बंद कर दिया। पैदल कहाँ से जाना है? उधर से, इधर से जाएगा तो ऊपर जाके घूम के आ जाओ, ठीक है। ये जबल रहमा है, हम उधर गाड़ी खड़ा करते हैं। ओके ओके ठीक है।